Hello students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn exponential distribution. सबसे पहले हमें इसका लर्न करना है कि इसका PDF क्या होता है, इसका probability density function क्या होता है. अगर कोई x continuous random variable है और उसका अगर PDF इस तरह की shape का है, theta into e की power minus theta x, then we say that x is a exponential distribution type with the parameter theta. जो exponential distribution होती है, बेटा आप लोगों ने याद कर लेना है कि इसका जो PDF है ये होता है. देखो जो भी distribution होती है उसका आपको पहले PDF learn होना चाहिए, उससे आप कोई भी चीज उसकी निकाल सकते हो. ठीक है जी, तो cumulative distribution function का formula हमें पता है, probability capital X less than equal to X, क्योंकि X 0 से start हो रहा है, तो 0 से X fu du. तो यहाँ पे आपने इसकी फंक्शन की वैल्यू लगाई, ठीक है जी, और इसकी इंटीग्रेशन करके ये आपके पास कैपिटल एफ एक्स आ गया. ये आपने याद रखना है कि कैपिटल एक्स कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस सी टैक्स. सबसे पहले हमारा आर्टिकल है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन. वी ऑल नो द डेफिनेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटीएक्स. तो ETX से मल्टीप्लाई किया जाएगा फंक्शन को, थीटा बाहर रख लिया गया, दोनों की पावर क्लब कर ली, इकट्ठी कर ली गई. E की इंटीग्रेशन क्या होती है, EX की इंटीग्रेशन, EX माइनस से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आपने लिमिट्स पुट करके ये आपका आंसर आ जाएगा. नीचे से ऊपर नीचे थीटा से डिवाइड करके आपका ये बाइनोमियल फॉर्म आ जाएगी. इस बाइनोमियल फॉर्म को जब आप खोलोगे तो ये इसकी एक्सपेंशन निकल के आएगी, यानी कि 1 प्लस टी थीटा, ये इसकी एक्सपेंशन होती है. ये फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का, 1 प्लस टी थीटा का होल स्क्वायर, सो ऑन. तो हमें पता है जब हमारे पास एमजीएफ होता है तो वहां से हम कोफिशिएंट कंपेयर करके टी की आर अपॉन आर, तो वहां से हमारे पास मूवमेंट्स आ जाती हैं जिसको बोलते हैं आरएथ मूवमेंट. तो यहाँ पे क्योंकि आर फैक्टोरियल नीचे इसके नीचे नहीं है, तो r फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर डिवाइड कर लो. मल्टीप्लाई डिवाइड करने से तो वहां से आपके पास ये चीज निकल के आ जाएगी. ठीक है जी, दिस इज अ जनरल मूवमेंट, rth मूवमेंट. r को 1 पुट करोगे तो न्यू 1 डैश आ जाएगा, ये मेरा मीन हो गया. r को 2 पुट करोगे तो सेकेंड मूवमेंट आ जाएगी. तो इसी तरह हम वेरियंस निकाल सकते हैं, न्यू 2 डैश माइनस न्यू 1 डैश करके. इस तरह हमारा मीन 1 बाय थीटा निकल के आया है और वेरियंस मेरा 1 बाय थीटा स्क्वायर आया है. अगर पेपर में आता है आर्टिकल फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप पहले मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लीजिए, उसके बाद कोफिशिएंट कंपेयर करके भी निकाल सकते हो या डेरिवेटिव करके भी निकाल सकते हो. सेकंड क्वेश्चन है, अगर x1 x2 xn n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, वो सबका पैरामीटर थीटा 1 थीटा 2 है, तो जेड जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो भी एक्सपोनेंशियल टाइप का होएगा विद पैरामीटर समेशन थीटा. कैसे करना है, हम क्या करेंगे, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेंगे. डेफिनेशन होती है पी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो यहाँ पे जेड के लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्योंकि लेस देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी है, हम इसको चेंज कर लेंगे 1 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे कैपिटल जेड की वैल्यू पुट कर दी गई, ठीक है जी, तो इसको लिख लिया गया प्रोबेबिलिटी एक्स आई ग्रेटर देन जेड. यहाँ पे आई की वैल्यू 1 टू एन है, क्योंकि ये एन नंबर्स के लिए है, तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया गया. तो इस प्रोडक्ट में इस चीज को 1 माइनस लेस देन इक्वल टू लिख लिया गया. अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज अ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कैपिटल एक्स, तो एफ एक्स आई जेड हो गया. तो पीछे भी हमने किया था, इसका फार्मूला था 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स का, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी. ठीक है जी, 1 से 1 कट जाएगा, तो आपके पास इतना आ गया, ये कैपिटल जी. तो मुझे तो इसका पीडीएफ निकालना था, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए जी का, जी डैश. डेरिवेटिव करने से पावर आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा. तो इट इज अगेन टाइप थीटा ई की माइनस थीटा एक्स, सो इट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप विद दिस पैरामीटर, दिस इज दिस पैरामीटर. ओके जी, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्या वैसे वैसे आपने इसको ध्यान से कर लेना है. अगला क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लैक्स मेमोरी. देखो लैक्स मेमोरी का सीधा सा मतलब है कि ये वाली चीज आपने प्रूव करनी है. ठीक है जी, इसमें एक वेरिएबल वाई है जो एक्स माइनस, यानी कि अगर एक्स इज इक्वल टू आपका है वाई प्लस ए,
एक इवेंट जो ए टाइम पे होती है, ठीक है, आफ्टर ए टाइम जो इवेंट हो रही है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। इसका यही मतलब है, यानी कि पिछला टाइम वो भूल जाता है, लैक्स मेमोरी का मतलब ये होता है। तो इस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है आपने शो करना है, इसके इक्वल है। तो ये कौन है, ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज निकाली हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पहले आपको ऊपर वाला इंटरसेक्शन निकालना है, ये ऊपर वाला इंटरसेक्शन निकालने लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू यूज कर ली गई एक्स माइनस ए, तो कैपिटल वैल्यू एक्स की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस एक्स और एक्स ग्रेटर देन ए, तो ये चीज बन गई। ठीक है जी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है, तो फंक्शन की वैल्यू लगा के इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए आप, तो आपके पास ये चीज आ गई। इसी तरह एक्स अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए आप, एक्स अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी होगी ए से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन की वैल्यू लगाई, ये इसका आंसर आ गया। ये दोनों वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट कीजिए तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल के आ गया मेरे पास। अब राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन यूज करके इसका आंसर आ गया, दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। सो इट मींस इट डिस्ट्रीब्यूशन लैक मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूशन लैक मेमोरी का मतलब है कि आर्टिकल में ये दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर याद करनी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये आपको एक्सप्रेशन याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमने पीछे भी कहीं पे किया था, ठीक है, वहां पे हमने शायद ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो लैक्स मेमोरी। तो दो क्वेश्चन है दो आर्टिकल्स में। अब क्वेश्चन है एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना एक्स माइनस वाई, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेक्निक यूज होगी। पहले हमने क्या किया, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल लिया एक्स वाई का, ठीक है, क्योंकि एक्स का तो माइनस एक्स है, तो वाई का क्या हो जाएगा, ई की माइनस वाई, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स वाई का ज्वाइंट आ गया ये। तो यू मान लीजिए एक्स माइनस वाई को, बी मान लीजिए वाई को, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई, तो जे जैकोबी निकल के आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज करनी है ज्वाइंट, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहां से एक नया वेरिएबल यू भी डिफाइन कर लिया गया, यहाँ पे आपने क्या किया एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू क्या यू प्लस बी, वाई की वैल्यू बी, तो यू प्लस टू बी बन गया इंटू जैकोबी, जैकोबी तो आपका मान नहीं है भाई, ठीक है। अब b आपका 0 से बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि y की वेरिएशन 0 से बड़ी है, x आपका हो गया, x भी अब देखो u प्लस v है ना, तो अब आपको u की लिमिटें निकाल के दिखानी है, u की लिमिटें माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी जा रही, कैसे, अब मुझे क्या करना है इसमें से ना u का निकालना है फंक्शन। तो अगर आपको जी यू निकालना है ना, जी यू, तो अगर आपको जी यू निकालना, जो वो कंबाइंड फंक्शन है यू वी का, जो कंबाइंड फंक्शन है यू वी वाला, कि आप इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यू की वैल्यू है एक्स माइनस बी, और बी की वैल्यू कितनी बन गई, ये यू ही है, सॉरी, यहां से बी इक्वल टू एक्स माइनस यू किया गया, ठीक है। अब आपका बी माइनस यू, देखो यू की तो लिमिट प्रश्न में दी हुई है क्लियरली, ठीक है, तो यहाँ पे अगर x माइनस यू ग्रेटर देन 0, यहाँ से आपने लिमिट्स यहाँ से निकालनी बच्चों, दो केस बनाए हुए हैं इसने। अगर u आपका माइनस इनफिनिटी टू 0 है, देखो यहाँ से ये ब्रेक कर लिया इसने, अगर u की वैल्यू नेगेटिव है तो v आपका माइनस यू से बड़ा है, अगर u पॉजिटिव है तो v ग्रेटर देन 0 है, ये दो केस है आपके पास, दो बार ही आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी भाई यहाँ पे, ठीक है जी। तो ध्यान से देखनी है कैसे करनी है, u माइनस इनफिनिटी टू, क्योंकि देखो जो इसकी लिमिट इंटीग्रेशन होती है 0 से इनफिनिटी चलती है, ठीक है, तो u को ब्रेक किया माइनस इनफिनिटी टू 0, तो अगर u माइनस इनफिनिटी टू 0 है ये वाली चीज, ठीक है, तो v आपका माइनस u से बड़ा हो जाएगा, अगर u पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव हो गया आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। तो gu निकालने के लिए माइनस, देखो v से इंटीग्रेशन करने जब आपने, तो v की लिमिट होगी माइनस u से इनफिनिटी, ये देखो यहां से ये वाली यूज की गई, ठीक है, जी की वैल्यू लगा दी गई, उसकी इंटीग्रेशन करके ये वाला आंसर आ गया। फिर सेकंड केस यूज करेंगे, ये पहले का आंसर आ गया आपके पास, अगर यू पॉजिटिव है तो उसकी लिमिट क्या है, माइनस वी टू इनफिनिटी, उसका भी आंसर यही आ गया। दोनों केसेस में आपके ये आंसर है, ये आपने साथ में मेंशन करना कि कैसे निकालना है हमने आंसर, ठीक है जी, लिमिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, x1 x2 दो हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है जी। तो अगर x1 का पीडीएफ e की माइनस x1 है, तो e की माइनस x2 का क्या होगा, e की माइनस x2 हो जाएगा, दो
दोनों का कंबाइंड पीडीएफ निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, ई की माइनस एक्स वन, कैपिटल एफ का मतलब है उसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो साथ में डेरिवेटिव यूज कर रहा है एक्चुअली वो, ठीक है जी। अब मुझे वेरिएबल्स ये दिए गए वाई वन और वाई टू दिए गए, तो आपको ये टेक्निक कराई गई है ट्रांसफॉर्मेशन वाली, कैपिटल एक्स वन की वैल्यू ये आ गई, एक्स टू की ये वैल्यू आ गई, एक्स यहाँ पे वाई टू की वैल्यू पुट कर दो भाई, ये वाली निकाल के यहाँ से, एक्स वन एक्स टू आपके पास है, पहले जुकोबी निकालना पड़ेगा, जुकोबी निकालना आपको आता है, ठीक है जी, जुकोबी निकाल के आपके पास जो जी वाला फंक्शन है उसमें जो कैपिटल एफ लिखा था उसमें वैल्यू पुट कर दो आप, साथ में जुकोबी आ जाएगा, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, वाई वन और वाई टू में, ये आपके पास वाई वन का पीडीएफ आ गया, ये वाई टू का आ गया, क्योंकि तो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज की गई है। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव।